Okay, students, we are on the third lecture of World Power and Energy. इस लेक्चर में हम आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी के क्या फॉर्म्स हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। ये वीडियो लेक्चर में आप जब भी कोई चीज नोट करना चाहें तो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। सो बी रेडी, सिट डाउन विद अ पेन एंड पेपर एंड वी गो अहेड। बेस्ट ऑफ लक। ओके, हियर वी गो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने देखा, इसमें देखिए मैकेनिकल एनर्जी है, लीपिंग ऑफ फ्रॉग, मूविंग ऑफ ऑटोमोबाइल, थर्मल एनर्जी आपकी आइसक्रीम मेल्ट करती, ये भी थर्मल एनर्जी, आपका सूप गर्म है थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, ये आपकी लाइट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, ये सब भी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग रोज अपने घर में देखते हैं, बिजली हम लोग यूज करते हैं, ये पावर लाइन्स जो आती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे हम हीट करते हैं, उससे हम अपने टोस्टर गर्म करते हैं, उससे हम अपना वाटर पंप चलाते हैं। केमिकल एनर्जी फूड के फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस से जो आपके पास खाना बनाते हैं बनता है उसके फॉर्म में, लकड़ी में है जो जलाने से हमें गर्मी मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फिशन है। फिशन में क्या होता है, एक बड़ा एटम टूट के दो नए एलिमेंट्स बनाता है और उसमें से कुछ मास कम हो जाता है और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम आपको रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाएंगे। और फ्यूजन में दो छोटे फ्यूजन जो स्टार्स में होती है, जैसे सन में हीट हो रही है, उसमें क्या होता है, दो छोटे एलिमेंट्स जुड़ के बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत मास कम हो जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी आप देखते हैं, एक फ्रॉग है वो कूदता है, कार दौड़ती है, ऊपर से आदमी गिर रहा है, ऊपर से एक क्रेन नीचे सामान डाल रही है, ये सब मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म्स हैं। इसमें थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। एनर्जी जो दो फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मूवमेंट है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ के दोनों को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कम्स फ्रॉम मोशन, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो हम बाद में यूज कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी जो एनर्जी हीट की है, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट जो आयरन फाइलिंग्स को पुल करता है वो क्या है, वो भी मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी आपकी स्टोर्ड इन फूड एंड फ्यूल, इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी क्या है, जब भी आपने बचपन में किसी को रबर बैंड से एक कागज के टुकड़े को मारा होगा वो क्या है, इलास्टिक एनर्जी, आपने रबर बैंड खींचा उसमें आपने एक एनर्जी दी और जब छोड़ा तो वो वापस उसने कागज को आगे फेंका। न्यूक्लियर एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया है, न्यूक्लियर प्लांट्स में ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये जो है ये जितनी है ये स्टोर्ड एनर्जी है और ये जो है ये मूवमेंट से है, सब थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, ये सब मूवमेंट की है। उसके साथ साथ हमारे पास साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन से, हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था, व्हाट इज साउंड, साउंड इज एन एनर्जी विच कॉजेज अ सेंस ऑफ हियरिंग, इसी तरह से लाइट है विच कॉजेज अ सेंस ऑफ सीइंग। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और डिफरेंट फॉर्म्स को मैंने आगे डिटेल कर दिया है, सोलर एनर्जी, हीट और रेडिएंट एनर्जी किससे, लाइट एनर्जी कॉज सेंसेशन ऑफ लाइट, केमिकल एनर्जी, नेचुरल गैस, ऑयल, फॉसिल फ्यूल, फूड वी ईट, बैटरी हैज केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन, बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्या है, फास्ट मूविंग वाटर, या तो वो डैम में ऊपर से नीचे गिर रहा है तब फास्ट है, या वो पानी ही बह रहा है, तो हम लोग पुराने जमाने में बोट्स जो चलती हैं थी
पानी से या लकड़ी को ट्रांसफर करते थे वो भी आपकी हाइड्रो एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी रिलीज ड्यू टू लॉस ऑफ मास ऑफ इन केस ऑफ फिशन एंड फ्यूजन, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जमीन के अंदर हीट है, वहां पे अगर पानी अगर है तो वो पानी प्रेशर पे भी है और हीट पे भी है, तो गर्म स्रोत से या गर्म फाउंटेन हॉट फाउंटेन की तरह से निकलता है, हॉट स्प्रिंग्स उसे कहते हैं। विंड एनर्जी, विंड मिल आपने सुना ही होगा, एनर्जी ही वो हवा आपके विंड मिल को घुमाती है और उससे बिजली पैदा होती है। साउंड एनर्जी, गुड, वाइब्रेटिंग बॉडीज पजेस साउंड एनर्जी, दिस कॉजेज अ सेंसेशन। मैग्नेटिक एनर्जी, आपने जब भी किसी चुंबक से मैग्नेट से किसी आयरन पीस को अपनी तरफ खींचा है, कैसे आया, वो भी कोई एनर्जी से आया। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब को आप नोट कर लीजिएगा। लेट्स गो टू मैकेनिकल एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन किया है एनर्जी ऑफ पोजिशन और मोशन, और जो एनर्जी ऑफ पोजिशन या चेंज पोजिशन की जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जो मोशन की होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये जो है, अब आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है, आप कोई सामान नीचे से ऊपर ले गए वो स्टोर्ड एनर्जी है। इलास्टिक, आपने ये बचपन की याद आ गई है आपको इस फोटो से कि ये इलास्टिक खींच के मारा, ये कार जो है ऊपर गई है, इसमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, द मोर काइनेटिक एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट हैज द फास्टर इट मूव्स। रोलर कोस्टर में आप लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है। ये कार जब ऊपर से नीचे आती है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है क्योंकि मोशन के साथ। एनर्जी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कन्वर्जन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर देयर इज अ चेंज इन एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, इसके को एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। केमिकल एनर्जी, सेब खा के लड़का साइकिल चला रहा है, इससे क्या हुआ, इसके अंदर एनर्जी गई, वो मैकेनिकल एनर्जी में मूवमेंट में मोशन में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट में, लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस से प्लांट में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। केमिकल एनर्जी जो स्टोर थी एक सेल में वो लाइट में कन्वर्ट हो गई टॉर्च में। केमिकल एनर्जी जो पेट्रोल में थी उससे गाड़ी मूव कर रही है, ये भी मैकेनिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुआ, टोस्टर में हीट हुई, तो ये भी आपकी एक कन्वर्जन है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल ये अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, द मैकेनिकल मूविंग वाटर एयर और स्टीम फ्रॉम अ थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट जो टर्बाइन मूव करते हैं या डायनमो प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब भी कोई मोटर आपका जनरेटर है, जनरेटर में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल पंप आपका है, पंप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में, फैन है, मेट्रो रेल है, इलेक्ट्रिक रेल है, इलेक्ट्रिक कार्स है ये। इलेक्ट्रिकल टू हीट, रोज हम देखते हैं, हम लोग अपने घर में गीजर यूज करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं, जाड़ों में हीटर यूज करते हैं, ये भी हमारा कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल। हीट टू इलेक्ट्रिकल ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक थर्मोकपल जो है ये चेंजेस हीट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें दो डिफरेंट टाइप के वायर्स होते हैं, उनको हीट किया जाता है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड अ थर्मोकपल। ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, ओ लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल, जैसे ही आप घंटी बजाते हैं
आपकी बेल में आवाज होती है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, बड़ी आवाज से निकलती है, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। उल्टा हिसाब है, माइक्रोफोन आप बोल रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ये तो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, सेकेंडरी सेल्स लाइक कार बैटरी, मोबाइल बैटरी, इन सबको वाइल चार्जिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेल जो सेल होती हैं आपकी जो चार्ज करते हैं हम लोग, उस चार्ज सेल से जो बिजली पैदा होती है उसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। केमिकल टू लाइट एनर्जी, बर्निंग कैंडल एक एग्जाम्पल है उसका, केरोसिन लैंप उसका एग्जाम्पल है। लाइट टू केमिकल, फोटोसिंथेसिस, लाइट से आपकी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, ये जो है कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल। इलेक्ट्रिकल टू लाइट, रोज घर में जब आप जाके स्विच ऑन करते हैं शाम को तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब में कन्वर्ट करके लाइट चलाते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल, ये लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें लाइट आती है एक सेल के ऊपर और उससे जो है बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये एक चीज नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। हीट टू मैकेनिकल, स्टीम इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू हीट, जब आप अपने हाथ जाड़ों में रब करते हैं तो हीट पैदा होती है। जब फॉल में बहुत ऊपर किसी डैम से पानी नीचे गिरता है तो ऊपर की जो मैकेनिकल एनर्जी जब वो नीचे आके टकराती है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से आपकी कार स्कूटर्स के इंजन क्यों गर्म हो जाते हैं, कुछ मूविंग पार्ट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे से टकराते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल टू हीट बहुत आसान, लाइटिंग ऑफ कैंडल, मैचस्टिक, रेस्पिरेशन, जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ केमिकल टू हीट एंड केमिकल टू मैकेनिकल। ऑटोमोबाइल्स में, कार में जब आप गैसोलीन या पेट्रोल से जब आप कार चलाते हैं तो केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, आयरन कोर के ऊपर अगर आयरन बार के ऊपर आपने एक कॉइल वूंड कर दिया तो उसमें क्या होता है, जब भी करंट जाएगा तो वो आयरन बार को मैग्नेट बना देता है। दिस इज कॉल्ड अ सोलेनोइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट, 9th में पढ़ा है। मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, ये नया कॉन्सेप्ट है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, ये एक यू शेप मैग्नेट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर किसी भी कंडक्टर को उसमें मूव किया जाएगा तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी जो फिशन से होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। कई केस ऑफ एनर्जी में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। सबसे पहले वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी पानी को स्टीम में, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करती है और वो जो स्टीम है वो उसमें हाई वेलोसिटी से निकलती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। वो टर्बाइन जो है जो एक पंखे की तरह से होता है उसको हिट करती है, वो मूव करता है और वो जो है उसके बाद उससे आपका जनरेटर चलता है तो वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। Let's go to law of conservation of energy. It states that energy cannot be created nor destroyed. Energy ना तो बनाई जा सकती ना उसे destroy किया जा सकता है, लेकिन वो एक form से दूसरे form में convert हो सकती है। Mechanical energy में एक चीज note करनी, जो potential energy है जो because of position या change of state है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए किसी और फॉर्म में, वो पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस करता है तो आइडियल सिचुएशन में अगर आपके एनर्जी की यूनिट जूल्स है,
अगर 10 जूल ऑफ हीट एनर्जी है तो अगर उसे हीट टू इलेक्ट्रिसिटी करना है तो 10 जूल ऑफ हीट शुड बी कन्वर्टेड टू 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं एग्जिस्ट करती है, उसमें कुछ एनर्जी नॉन डिजायरेबल फॉर्म में डिग्रेडेड एनर्जी के रूप में निकलती है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट एनर्जी आई मान लीजिए 10 जूल और बाहर निकली जो डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्जन है, मान लीजिए ये केमिकल एनर्जी है और इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो कुछ आपकी 10 जूल आपके पास केमिकल एनर्जी है लेकिन आपको 10 जूल हीट में चाहिए थी लेकिन नहीं निकलती, 8 जूल निकलती है, 2 जूल डिफरेंट फॉर्म में स्मोक में या किसी और फॉर्म में निकल जाती है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम लॉस। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एफिशिएंसी का, इसको हम लोग फिर से देखते हैं। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन इज एक्सप्रेस्ड एज डिजायर्ड फॉर्म, ये डिजायर्ड फॉर्म की एनर्जी को एनर्जी सोर्स से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई कर, जैसे 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू 80 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आउटपुट कितना हुआ 80 जूल हुआ, इनपुट कितना है 100 जूल है, तो जो एफिशिएंसी होगी 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 80/100, तो 80% आपकी एफिशिएंसी हुई। और डिग्रेडेड एनर्जी कितनी हुई, इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट था 100 जूल आउटपुट है 80 जूल, तो डिग्रेडेड हुई 20। दिस डिग्रेडेशन इज ड्यू टू फ्रिक्शन एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। वी गो टू मैकेनिकल एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आपके एक क्वेश्चन एक मार्क का क्वेश्चन आ जाते हैं, एक या दो मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। दो फॉर्म की होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसको हम यू के फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल यू, काइनेटिक एनर्जी उसको के के फॉर्म। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है यू प्लस के, पोटेंशियल एनर्जी यू, काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, आगे पूरी डेफिनेशन करवाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है, this is the energy possessed by a body at rest in its changed position or changed size or shape। आपने किसी बॉडी को नीचे से अपने छत पे जाके रख दिया तो आपने क्या किया, उसकी चेंज पोजिशन कर दी, ग्रेविटी बढ़ा दी, ऊपर ले गए, आपने उस पे ऊपर कुछ काम किया, ऊपर ले जाने में आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था MGH वर्क किया, तो क्या हुआ वो वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। चेंज इन शेप एंड साइज, रबर बैंड आपने खींचा उसकी साइज चेंज हुई, इसकी शेप चेंज हुई, उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उसको जब आप रबर बैंड को छोड़ते हैं तो कटाक से कागज निकल के जाता है, वो वेलोसिटी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ हाइट h, अगर जमीन से h मीटर्स ऊपर है तो उसको उसमें कितना काम किया उसको मूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी का मास mkg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, है? जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, देन उसकी वर्क जो हुआ MGH हुआ, तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH। तो मान लीजिए अगर 100 kg का मास है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और हाइट 10 मीटर हमने शिफ्ट की है, तो कितना हुआ MGH 100 × 10 × 10, इतना जूल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे तीर कमान में होती है या रबर बैंड में होगी, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये जो है, दिस इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन।
अगर कोई बॉडी वी मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, वेलोसिटी से जा रही है, और उसका मास एम के जी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम के लिखते हैं इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। याद कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम नाइन्थ में पढ़ा था, मोमेंटम एक वेक्टर है विच इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन आपको याद करने होंगे, पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एम के, या के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। जब इसको आप लोग डिराइव कर लीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे के लिखिए और इसको एम ए मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे एम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये टू इधर चला जाएगा, तो टू के इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, टू के साथ एम भी आएगा नीचे से, तो टू के एम, ओके मिस कर गए, टू के एम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम के, तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के। वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जब भी किसी मूविंग बॉडी पे वर्क किया जाता है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। अगर इफ वर्क डन इज डब्ल्यू एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल कितनी हुई, हाफ एम यू स्क्वायर, तो वर्क कितना हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम याद कर लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अगर इफ देयर इज ओनली एन इंटरचेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज नो डिग्रेडेशन, मान लीजिए केवल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कोई डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी को यहां से नीचे फेंका जाता है, तो ऊपर क्या है, जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, के जीरो है, वी जीरो है, तो के जीरो होगा, तो के ए कितना हुआ जीरो, यू ए कितना हुआ, एम जी एच हाइट कितनी है, तो एम जी एच प्लस जीरो इज द टोटल मैकेनिक। B पे क्या होती है, उसकी वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती है, एम वी वन स्क्वायर, और हाइट कितनी है उसकी, अब नीचे से h by 2, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच by 2, तो इस केस पे यू ए प्लस के शुड बी इक्वल टू यू बी प्लस के बी, क्यों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इफ देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो कोई डिग्रेडेशन नहीं है, 100% क्लीन केस है, नो डिग्रेडेशन, 100% एफिशिएंट कन्वर्जन है, तो दोनों बराबर होंगे, यू बी प्लस के बी, यहाँ पे यू बी कितनी है, एम जी एच बाई टू, के बी कितना है, हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो ये बराबर हुए। नीचे जब आ जाती है तो एच कितना हो गया जीरो, तो एम जी एच जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर, जीरो प्लस वी टू स्क्वायर। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में केवल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कुछ, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये आपका एक चार्ट है। शुरू में जब बॉडी ऊपर है तो क्या है, केवल उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे टाइम से बॉडी नीचे आ रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जीरो है, धीरे धीरे किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी 500 जूल्स ही रहेगी। इसको और इसको ऐड करेंगे 500 जूल्स, किसी भी पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से दोनों की सम सेम आएगा। पेंडुलम का केस देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार चीज है। आपने नाइन्थ में पेंडुलम पढ़ा था, पेंडुलम मीन पोजिशन है, मैक्सिमम ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ए से बी पे जाता है, बी से ए होते हुए सी पे जाता है,
ए पे क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां पे जाके जीरो वेलोसिटी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम हाइट है। तो यहां की जो उसकी टोटल काइनेटिक, इसको हम जीरो हाइट मान ले, तो यहां पे केवल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे क्या हुआ, वी जीरो हो गया, तो केवल एम जी एच। एच कितना है, यहां से लेके ये हाइट एच है आपकी, ये हाइट एच है, इसके और इसके बीच का है, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्वेश्चन आते हैं कि इसकी वेलोसिटी यहां पे शुरू में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी और कितने हाइट पे जाएगा, एक दो एग्जांपल्स करे जाएंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे। जो ऊपर से नीचे आ रही थी बॉडी, उसमें हमारी वर्क एनर्जी का जो चार्ट था वो स्ट्रेट लाइन था। इसमें क्या है, इसमें आपका चार्ट इस टाइप का है, जब जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और जीरो पोटेंशियल, और जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर रहता है तो मैक्सिमम जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल। ये चार्ट भी, ये ग्राफ भी आपको याद कर लेना चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट केस में तो हमारी स्ट्रेट लाइन थी, इस केस में हमारे ये पैराबोलिक फिगर। We have seen क्या क्या एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन, और पार्ट थ्री के लेक्चर का वेट कीजिए, उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि आपके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। Have a nice day, enjoy your studies, be safe.